Good morning, friends. I am Ajay Jain here, and we have with us a very senior Mr. Dr. S. Srinivasan. And I have seen in life, and I have met so many people, everybody has a lot of plan to improve their life. Har aadmi ko apni life improve karna hai. Uske baad bahut sare plan hai. Usko malum bhi hai use kya karna hai. सभी को मालूम होता है कि उसे क्या करना है, पर वो करता नहीं है। वो करता क्यों नहीं है, वो होता क्यों नहीं है, उसको कैसे करना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, और हम लोग हिंदी में बोलते हैं टालम टोली। क्या बोलते हैं उसको? टालम टोली, ओके, टालना, टालना, टालम टोली। कल करेंगे, टालम। बाद में देखेंगे, अभी क्या है, अभी टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, पढ़े लिखों में भी है, अनपढ़ में भी है, बड़े में भी है, छोटे में भी है, सभी में है। और आप अगर अपनी लाइफ टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे काम आपको जो करने चाहिए थे वो आपने नहीं किए हैं, तो उसको हम आज देखेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू। तो योर स्क्रीन इज रेडी। Thank you, Jain Saab. Once again, it's good to connect on a very professional come personal note. So very sweet of you, and all the best to your family also. Thank you. अच्छा, ये procrastination जो बोलते हैं ना, ये उसका meaning भी लिखा हुआ है। Pro मतलब forward, procrastination बोले तो tomorrow। कोई भी चीज़ आज करना है और आप कल ढकल देंगे, इसको postpone कर देंगे, करते ही रहेंगे। postpone ज़्यादा करने से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, मतलब यू हैव टू ट्रीट इट एज अ रियल डिजीज। कोई लोग घर में भी ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो समझो चाय पीने के बाद कप को टेबल के ऊपर ही छोड़ देंगे, इसको निकाल के अंदर सिंक में डालेंगे, बोलेंगे तो हाँ हाँ करता हूँ, कभी नहीं करेंगे। फिर अल्टीमेटली आपको ही कप उठाना पड़ता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बहुत है, और हर एक घर के अंदर, हर एक ऑफिस के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। जैसे जैन साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम इतना है कि इससे प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं होता, और कंपनी हो या घर हो या और कोई भी हो, नुकसान होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का अगर आप फास्टिंग करेंगे, इट विल रन इनटू अ पैरेलल इकोनॉमी, सेवरल मिलियन डॉलर्स वर्थ जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। सर, मेरा बोलना है कि अगर वर्ल्ड का जीडीपी 100 बिलियन डॉलर है जी, तो प्रोकास्टिनेशन अगर छोड़ देंगे तो 300 करोड़ हो जाएगा, जी, तीन सौ बिलियन हो जाएगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा जीडीपी। बिल्कुल बिल्कुल, सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट हैज टू बी एड्रेस्ड एट होम, ऑफिस, एवरीवेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये छोटा सा कार्टून है जहाँ पे आप देख रहे हैं व्यक्ति एक ही चीज बोलता है, आई विल डू इट टुमारो। कोई भी काम दो, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, तो उससे यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन गेट एंग्री विद हिम, क्योंकि उसके रक्त में है, उसके खून में ऐसा है, ब्लड में है, वो कोई चीज आज करना चाहिए वो नहीं करते, आगे ढकल देते हैं। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। उसका थोड़ा हम इन डिटेल देखते हैं क्या करना है और क्या कर सकते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट सर, स्लाइड इसमें प्लीज। और एक आपने नीचे बहुत अच्छा दिया है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लास्ट में फिर डेडलाइन के थोड़ा पहले करते हैं, डेडलाइन के थोड़ा पहले करते हैं तो टेंशन आ जाता है, फायर फाइटिंग हो जाता है, और दूसरा है कि वो करता ही नहीं है। करता ही नहीं है। ये कबीर जी का एक दोहा है जो सब लोग जानते हैं और मगर अमल में नहीं लाते हैं। जानते तो हैं मगर अमल में नहीं लाते। वी नो बट वी डोंट प्रैक्टिस। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल जो करना है वो आज ही करो, और आज जो करना है वो अभी करो। क्यों? पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक क्षण में, एक फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। कैन बी अ फ्लड, कैन बी एयरक्वेक, कैन बी एनी अदर कैटास्ट्रोफी। अभी कोविड आ गया, देखो कोविड आके चला भी गया और फिर से आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, उनको प्रोक्रेस्टिनेशन से ज़्यादा
एक्सपेंसिव होता है, टेक एक्शन। अभी देखो यहाँ पे अभी दूसरा वेव चल रहा है कोविड का, और कोविड का ये बनाएंगे कि नहीं उसके ऊपर चर्चा चल रहा है। पीपल आर वेस्टिंग टाइम, इन द मीन टाइम कोविड इज कमिंग बैक, तो वेकअप, यू नो, डेडलाइन से पहले वेकअप, नेक्स्ट नॉइस। मगर जो इन टाइम करना चाहिए था, करना चाहिए वो नहीं होता, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन एट अ बिग लेवल। आप करोड़ों, सैकड़ों, हजारों, बिलियंस डॉलर्स के वर्थ के काम कर रहे हैं, तो काल करे सो आज कर करो, और जो भी ये करता है काल करे सो आज कर, ही प्रॉस्पर्स, अदरवाइज वी रॉट। सर इसका नेक्स्ट उल्टा स्लाइड। भी है हमारे पास, जी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, परसों क्या ऐसी भी क्या जल्दी है, हाँ जीवन मिलेंगे बहुत। हिंदू वेरी गुड, हिंदुइज्म में क्या है, बहुत जन्म होते हैं ना, बोला ये जन्म में नहीं, वो अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में देख लेते हैं। दैट्स अ गुड वन, इट्स अ रियल गुड वन। तो अभी इसी को एक फॉर्मेट में मैनेजमेंट स्कूल में देखा सकते हैं, जो व्हाट एवर यू शुड डू नाउ इसका हिस्ट्री देखेंगे, इट मस्ट हैव बीन डन नेक्स्ट वीक, मस्ट हैव बीन डन टुमारो, मस्ट हैव बीन डन लेटर, एंड नाउ इट इज देयर नॉकिंग ऑन योर डोर, यू डू इट नाउ। तो इमीडिएट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग, कई लोग ऐसे हैं कि देख मजाक उड़ाते हैं, जो जल्दी से काम करता है ना, बाकी लोग मजाक उड़ाते हैं, ये क्या है यार जल्दबाज क्या कर रहा है, ये आराम से करो, एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ, ये जो है ना बड़ा शत्रु है। ठीक है, सर देखते हैं। ऑफिस सेटअप में एक कॉन्सेप्ट है कि मैं जी, मेरा काम पूरा कर दूंगा तो मेरे पास और काम आ जाएगा, तो वो और पहले ही काम नहीं करता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि अगर वो काम करना फास्ट चालू करेगा, पहला जी तो जी उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा और वो कहीं भी जाएगा तो तरक्की करेगा। वो काम करता है नहीं करता है ऑफिस को फर्क पड़ता है, कंपनी को नहीं पड़ता है, लेकिन इसको जरूर फर्क पड़ेगा। तो जी ये हाँ जी भावना भी निकाल देना चाहिए कि मैं अभी काम करूंगा, अभी कोई बोलता है पेमेंट तो मिलता नहीं है, प्रमोशन तो होता नहीं है, ये भी राइट, फैक्टर आते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा बोलना है कि अगर आप काम करोगे और अच्छा करोगे तो ये कंपनी नहीं तो और कंपनी या आपकी कंपनी, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको एक ये पिक्चर देखें, आप डरिए मत, इसमें अच्छा ब्रेन के एरिया के अंदर प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स करके एक भाग है, और वहां से ठीक तरह से काम करने का अरेंजमेंट है। आप जो भी चीज क्विकली एंड रीजनेबली एंड रैशनली जो भी आप करेंगे, इसमें अपने ब्रेन का एक भाग है जिसको हम प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर वो वीक रहेगा तो आपको काम करने में बहुत तकलीफ होगी। प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स वीक हो जाएगा तो नुकसान होगा, और उसका नतीजा फैमिली और समाज में भी हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरा एक भाग है अमिग्डाला करके, जिसको हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा भी है, तो इमोशनल होता है अमिग्डाला। तो अरे काम करने से क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा, यू नो, तो अनप्लेजेंट डर, डर जो है ना वो अमिग्डाला के अंदर रहता है। आपको अल्टीमेटली अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बैलेंस रखना है। बैलेंस किधर रखना है, अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और दोनों को बैलेंस में रखने से आपको ना प्रोक्रेस्टिनेशन होएगा ना जल्दबाजी होगा, सर ऐसा ये कैसे रख सकते हैं, आपके पास कोई फॉर्मूला है? है। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नहीं बोला सकता, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इम्प्रूव करना, अमिग्डाला को कम करना, उसके लिए मेंटल एक्सरसाइजेस होते हैं। और एक्सरसाइज के अंदर आपको तरीके ऐसे सिखाए जाते हैं कि भाई ये करने से आपको प्रीफ्रंटल बढ़ेगा, और गूगल एक में मिल उदाहरण। जाएगा, जी गूगल में हाँ मिल जाएगा ना? हाँ, ये तो एक्चुअली जितना आप जाएंगे ना, फिलहाल चैट जीपीटी आ गया, इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, मगर ओके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके भी फायदा नहीं। अपने अच्छा को अच्छा एक आइटम लेके उसको प्रैक्टिस करना। सर पिछले हफ्ते मैं सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के कैंप में गया था, अच्छा हाँ वहां पे एक योगा है उसका नाम है हठ योग, हाँ
हठ योग यानी संकल्प योग, और हाँ उन्होंने बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताया। हाँ सुबह जैसे ही 5:30-6 बजे उठ के आप टेरेस पे या खुली जगह पे जाओ हाँ और पांव बैलेंस करके खड़े हो जाओ और हाँ अपना दोनों हाथ ऐसा ऊपर खड़ा कर दो। अरे वाह, अच्छा, ऊपर खड़ा करने के आधे मिनट के बाद में आपको लगेगा बहुत हो गया, हाथ नीचे करना है। अरे उनका बोलना है नहीं, आपको ये 25 मिनट तक करना है। वेरी तो 25 मिनट गुड। तो पहले दिन नहीं होता है, लेकिन पहले हाँ दिन 3 मिनट। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, आपका हाथ नीचे है, वापस ऊपर लेके जाओ, हाथ हाँ नीचे है, वापस ऊपर लेके जाओ। तो ऐसा करते करते मैंने अभी खुद 15 मिनट का एक सिस्टम बना लिया कि आई कैन कीप माई हैंड लाइक दिस फॉर 15 मिनट। हाँ तो इससे अपना जो काम करने का या संकल्प करके उसको पूरा करने का जो प्रैक्टिस है जी, वो मजबूत हो जाता है। तो आपने जो भी बताया, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेरे ख्याल से उसी से मजबूत हो जाता है। करेक्ट। और सबसे बड़ा जो आता है संकल्प का, तो है कि खाना खाने में हमारा संकल्प हिल जाता है। गुलाब जामुन, जी समोसा, कचौरी देखा तो हमारा मुंह में पानी आता है, हम खाने लगते हैं। तो जी उसको जी अवॉइड करने के लिए भी मैंने मेरी लाइफ में पाया कि ये काम करने से, ये एक्सरसाइज हाँ करने से अभी मेरा पावर बढ़ गया, विल पावर, कि भाई नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो आप तो बात जैसे कर ही मैंने दिया। अभी भी, हाँ, ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग ऐसा रोज सुबह ट्राई करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, और अपने अपनी फिलोसफी के अंदर है वो, है ना। टू हाँ स्टार्ट बिल्ड, यू हैव टू बिल्ड ऑन इट। तो वेस्टर्न थिंकिंग में या मैनेजमेंट थिंकिंग में पार्किंसंस लॉ करके है, कोई भी काम आप मोर टाइम एंड लेस एफर्ट, ज्यादा टाइम लेंगे तो एफर्ट कम रहेगा एंड वाइस वर्सा, उल्टा लेस टाइम मोर एफर्ट। ये इसके लिए एक फार्मूला बोले तो फार्मूला ऐसा मैथमेटिकल नहीं है, एक ग्राफ है जहाँ पे आपको चलता है कि आप कौन से लेवल पे हैं। तो पार्किंसंस लॉ जो है इसका एक अंग्रेजी में बोलना है तो वर्क एक्सपेंड्स टू ऑक्यूपाई द टाइम। उदाहरणार्थ अभी आपको पीएचडी करना है, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ने आपको 3 साल दिए, और सपोजिंग उन्होंने यूनिवर्सिटी ने बढ़ा के 4 साल कर दिया, फिर आप बोलेंगे अरे वाह अच्छा हो गया, 4 हो गया, मजा है, मजा करेगा 4 साल टाइम टाइम पास करेंगे, 3 साल टाइम पास करके फिर 1 साल में काम सब करते टक 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 करके बिल बन करके वो करते हैं, विच इज टोटली नॉनसेंस। सर, आपको रॉबर्ट रूल ऑर्डर का भी एक लॉ है, जी वर्क एक्सपांड एज पर द टाइम अवेलेबल। जी, वेरी ट्रू। तो सो वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। और या वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या इसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन जो करते हैं ना, जो लोग काम नहीं करते प्रोक्रेस्टिनेशन इज नकारात्मक है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। उसके माइंड सेट ऐसा होता है कि एक ब्रेन फॉग करके एक उसका एक एक्सप्रेशन बनाया है, ब्रेन फॉग। फॉग बोले तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, उसका यह आता है समझो, क्लाउडीनेस आ गया और ड्यूस आ गया, सब आ गया, उसको फॉग बोलता है। और ब्रेन फॉग करके जो एंटिटी है फिलहाल ज्यादा इस्तेमाल करता है कि भाई आपका काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया, अरे यार मेरे को ब्रेन फॉग हो गया ये बोलने के लिए ठीक है मगर उसका मतलब यह है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो ये ब्रेन फॉग तो हमारे टाइम के तो ब्रेन फॉग कोई बोलता भी नहीं था, अभी फिलहाल क्या हो गया, वर्क प्रेशर इतना हो गया, स्ट्रेस आ गया, कंप्यूटर आफ्टर कंप्यूटर, स्पीड आफ्टर स्पीड, आपको माइक्रो 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 पीको सेकंड में आपको 1000 रिपोर्ट बना के देने का है, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। वो इसमें प्रेशर करते करते एंग्जाइटी वगैरह होते हैं और उसमें ब्रेन काम नहीं करता, मेंटल क्लाउडीनेस लिखा है ठीक है, मगर आपको एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, मगर ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। उसको आप ठीक कर सकते हैं, कैसा करना है वगैरह उसके लिए तरीके हैं फिर से, मगर उसमें फॉग हो गया तो आपका कंफ्यूजन लेवल बढ़ गया और डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आप एक काम करने के लिए बैठे हैं, काम ए बी सी डी आपको करना है, और दूसरा काम कुछ आता है या आप नहीं लाके
EMGH भी आपने लाके उसमें अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, यू विल बी कंफ्यूज एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो दोनों तरफ से आप कंफ्यूज हो या डिस्ट्रैक्टेड हो, दे आर इंटरलेटेड। आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखे, कंफ्यूजन कम करके, डिस्ट्रैक्शन कम करके, अपना काम अपने जिंदगी में, घर हो या ऑफिस हो या और कहीं भी हो, ये कंफ्यूजन कम करके, डिस्ट्रैक्शन कम करके, ब्रेन फॉग अवॉइड करके काम करना है। ये एक कला है, इट इज सर, इट इज एन आर्ट। सर मगर आजकल, प्रैक्टिस सॉरी बोलिए जी जी बोलिए, जी वो है। तो आजकल मल्टीटास्किंग का बहुत बड़ा क्रेज हो गया है, हाँ तो ये फोन भी कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, कंप्यूटर भी चला रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मल्टीटास्किंग एकदम गलत है। आपको हाँ एक एक टाइम पे एक एक टास्क पूरा करना चाहिए, करेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होएगा तो अच्छा भी होएगा, रिजल्ट भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। करेक्ट मल्टीटास्किंग में यू मिस एवरीवेयर समथिंग और द अदर। जी हाँ जी हाँ, वेरी और ट्रू खाना वेरी खाते ट्रू। भी लोग टीवी देखता है, और खाने में चूहा आएगा तो उसको भी खा जाएंगे, खाने पे ध्यान ही नहीं है। और खाने के पाचन के लिए खाने को निहार के खाना ही जरूरी है। हाँ और सभी चीज ऑनलाइन हो गए ना, आप खाते खाते 10 चीज ऑनलाइन करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है, तो क्या खाया डिस्ट्रैक्शन वो और भी भी नहीं बढ़ता पता है, और वो कुछ फायदा भी नहीं करता है। है। इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए कॉजेस एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एक एल्गोरिदम जैसा दिया हुआ है, हम देखेंगे उसको हम कैसे अमल में लाने का, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखो, ये आदमी बैठा है और इसका पॉन्च देख के आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, वो लेजी कर रहा है, ये प्रोक्रेस्टिनेटर। और इस प्रकार के लोग बहुत होते हैं आजकल, जैसे काम पड़ता है जैसे तैसे ही वो अपना एंजॉयमेंट के लिए काम काम चुकार, पॉलिटिक मराठी काम चुकार, हाँ वो भी तरीका निकाला हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने गेम्स खेलते हैं, इतने गेम्स खेलते हैं कि समझ में नहीं आता, उसमें गैम्बलिंग ही चलता है, ऑनलाइन गेम्स में भी कर रहा है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, जस्ट वेस्टिंग टाइम, टाइम इज अ रिसोर्स। मगर ये इन लोगों का जनसंख्या जो है ना, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग दिस इज इंक्रीजिंग, जस्ट लाइक द नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डूइंग पीपल हु आर डूइंग फालतूगिरी आल्सो इंक्रीजिंग। ये सर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इमीडिएट पीपल हु आर योर ओन ब्रदर, योर ओन सिस्टर, योर ओन वाइफ, योर ओन स्टेक होल्डर, दे शुड से यार तुम बस करो, अभी काम पे लगो, ठीक तरह से फोकस करो, ये करना चाहिए। मगर मेनी ऑफ दीज हाउस होल्ड आर टोटली फ्रैक्चर्ड, यू नो, हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहीं है, और बच्चे और कहीं है, कुछ करते हैं, कोई देखता नहीं है, क्योटिक नो फैमिली लाइफ, क्योटिक, ऐसा बहुत सारे फैमिली से करते हैं, नेशन से होता है। इसमें और एक तो कार्टून है, लॉन्ग लिव लॉन्ग डेडलाइंस, वो बोलता है डेडलाइन लंबा है तो अच्छा है, लॉन्ग लिव, टाइम फॉर अनदर 2 आवर कॉफी ब्रेक, सर उनको मजा करने का, मौज करने के, मौज बना करने के लिए मोर एंड मोर एवेन्यूज आर अवेलेबल। और लेट मी रिपीट, अवेन्यूज के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ही कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप बोलो या ये भी बोलो हैंड हेल्प, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गेम्स आर अवेलेबल। और उसमें अंदर टेम्पटिंग भी आ जाता है, लोग पैसा भी देते हैं, गैम्बलिंग होता है, तो ये सब सब नकारात्मक पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स जो 99.9% ऑफ पीपल आर गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग के लिए क्या, आज एक ODI चल रहा है, चलो उधर गैम्बलिंग करते हैं, कोई बोलेगा विनोद कामली ने हुआ ऐसा किया, उस जमाने से लेकर के अभी तक गैम्बलिंग चल रहा है, क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, ये सब सब प्रोक्रेस्टिनेशन। आपका अपना मेन काम छोड़ के आप और कहीं निकल जाते हैं, इट इज नॉनसेंस, इट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। बोले हाँ काम मैं करता हूँ, मेरा डेडलाइन सो है, मैं कर लूंगा, कल कल रात को बैठ के कर लूंगा, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग साइड बाई साइड विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड साइड बाई साइड गिल्ट फीलिंग आ जाता है। वो आदमी बोला यार इतने दिन चले गए, आई एम यूजलेस, आई एम दिस, आई एम दैट, नकारात्मक, इट्स टोटली यूजलेस, यू नो, आई डोंट डू एनीथिंग, आई फील गिल्टी, आई डाउट,
मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ये इस अवस्था में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यू कम आउट लाइक अ फूल एंड मेनी ऑफ द लोग। तो ये सोशल इश्यू है बट इट इज देयर। नेक्स्ट स्लाइड, आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, हाँ और एक आइटम है कि जिसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फटीग बोला तो थक गए, समझो आप 100 मीटर डैश करके वापस आ गए तो आप फटीग हो गया ना, सांस लेते हैं डीप डीप ब्रेथ यू आर टेकिंग एंड योर मसल्स कांट फंक्शन दैट क्विकली अंदर प्रॉपरली। तो इस प्रकार का जो अक्यूट फटीग होता है ना, एक स्विमिंग मार के आ गया, एक 5 किलोमीटर आप जॉगिंग करके आ गए, वो सब आप लेजिटिमेट फटीग होता है। अगर ये क्रॉनिक फटीग में क्या होता है, यू बिकम यूजलेस, वी जस्ट बिकम यूजलेस। क्यों? यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर नॉट अप्लाइंग योर माइंड, यू आर नॉट सकारात्मक, ये सब मिलके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है वो फिलहाल वो ज्यादा आने लगा है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में। इन इंडिया यू कांट मे नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग क्रॉनिक फटीग, बट क्रॉनिक फटीग इज अ बिग इश्यू विच गो साइड बाई साइड विद प्रोक्रेस्टिनेशन। आप देखते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसके नतीजे हैं। तो जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तब तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन का लेटेस्ट उदाहरण ऐसा है कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑनलाइन जाओ आपको तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ करके टाइम पास करके, जो हम मराठी में कहते हैं कि फालतूगिरी, उसमें लोग बहुत बहुत टाइम बिताते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मेजर कॉज एंड मेजर इफेक्ट ये है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। सर, एंग स्ट्रेस का स्ट्रेस का जी एक फॉर्मूला हमने जो देखा है कि जी कोई भी काम वक्त पे नहीं किया, जी जब करना चाहिए तब नहीं किया जी तो ही स्ट्रेस होता है। जी 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 तो जब आपने कोई भी काम समय पे करना है नहीं किया, आपको टाइम पे उठना था आप नहीं उठा, आपको ऑफिस जी टाइम पे जाना था आप नहीं गया, तो आपको स्ट्रेस आएगा। करेक्ट, आप 10 मिनट पहले निकला है ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, अब आपको स्ट्रेस आएगा। अगर आप आधा घंटे पहले निकले हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अगर करेक्ट, आप हर जगह 10 मिनट पहले पहुंचने का कोशिश करेगा तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब चला जाएगा। एब्सोल्युटली ये सिंपल टेक्निक एब्सोल्युटली है लेकिन ये फॉलो करना जरा डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। तो उसमें मॉन्क मोड मॉर्निंग एक कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में रखा है। मॉन्क बोले तो बुद्धिस्ट मॉन्क, आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट का ये है सन्यासी, और वे लोग यू नो लाइक जैन मुनीस आल्सो डूइंग दैट, एक बड़ा डिसिप्लिन लाते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, डिसिप्लिन लाते हैं। वो मॉन्क का डिसिप्लिन होता है उसको हम कहते हैं मॉन्क मोड। और मॉर्निंग में बोला कि मॉर्निंग में आपको मॉन्क मोड लाना है। कैसे लाएंगे? जैसे आप जैन साहब ने कहा कि 10 मिनट पहले उठो। मतलब ये क्या यार, क्या व्हाट इज दिस जोक? आप देखिए ना, ट्राई करो, ट्राई तो करो ना, 10 10 मिनट पहले उठो। 4 बजे आप 6 बजे सोते हो, 5:45 बजे उठ के देखो, शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मगर ग्रेजुअली यू गेट यूज टू दैट एंड यू स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली कंटिन्यूअसली। एंड 15 मिनट पहले आएगा, फिर उसको 40 मिनट भी कर सकते हो, 50 मिनट भी कर सकते हो। मॉन्क मोड में आपको गेटिंग अप लेट एंड देन गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, ऐसा नहीं कि उठने के बाद ऐसे बैठे रहे। कोई लोग जल्दी पलंग उठते सोते हैं, कोई वापस होते पे हैं। ही, पलंग पे ही 3 चाय पिएगा सर इस। हाँ तो ये उनको माउंट मोड में डूज एंड डोंट सब प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसा करना। आप 5 बजे उठेंगे तो 7 बजे आपका साइकिल शुरू होगा, 2 घंटे आपको माउंट मोड में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ डू यू गेट अप, हाउ डू यू ब्रश योर टीथ, हाउ डू यू गो कुक ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू दिस डू दैट, एकदम सिस्टमेटिक उन्होंने फॉर्मूला बनाया। एंड दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन ऑल बुद्ध विहारस एंड पर्टिकुलरली श्रीलंका हो या पार्ट ऑफ चाइना बोलो, जो यहाँ पे माउंट मोड का बहुत महत्व दिया जाता है। एंड वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि लोग बोलते हैं फिलोसोफर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, फिलोसफी नहीं है, ये सिर्फ वर्क डिसिप्लिन है। माउंट मोड सर, मॉर्निंग आप जाके गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा सब, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली गुड टेक्निक।
सर, सो इसमें यू जी, बताइए। इसमें एक मैंने देखा है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया डिसिप्लिन पे चलता है। जी हाँ, सन टाइम पे आता है, सन टाइम पे जाता है, करेक्ट सन रोज आता है। जी, गेहूं का उगने का टाइम फिक्स है, वो तभी लगाया तो उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। तो हर चीज दुनिया का जो है टाइम पे चलता है। जी अभी सोचो, एक दिन सूरज 2 घंटा लेट उठेगा तो क्या होएगा? जी तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए। हम एक दिन उठते हैं, एक दिन नहीं उठते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, करेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं रहा, पैटर्न बराबर नहीं रहा और मिसमैनेज रहा, तो खुद को भी डाउट होने लगता है, यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो डिसिप्लिन करेक्ट में आना बहुत जरूरी है। यस, करेक्ट उठने का करेक्ट टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम सब फिक्स करके फिर वही फॉलो करना चाहिए। एक आध दिन कभी इशू हो गया, बात अलग है। जी हाँ। तो यहाँ पे स्टीफन कोविस आपका एक पुराना टेक्निक है, आपका काम सब जो कुछ है उसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा जा रहा है। एक अर्जेंट नॉट अर्जेंट होएगा, दूसरा इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट होएगा, ये सब इंटरनेट में मिलता है। आप इसको ठीक तरह से बैलेंस करेंगे तो क्वाड्रेंट वन में अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम करना है, वो 90% ऑफ पीपल डू दैट, बट मोस्ट पीपल वेस्ट टाइम इन क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में अर्जेंट लगता है मगर वो कहीं काम का नहीं है, टाइम वेस्टिंग नहीं। अभी कॉर्पोरेट में, कंपनीज में भी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुला के टाइम वेस्ट करते हैं। 10 लोगों को मीटिंग के बुलाया, 10 लोगों से सिर्फ 2 आदमी का और मीटिंग रेलिवेंट रहेगा और बाकी लोग टाइम पास करते हैं। एंड दिस इज वन एग्जाम्पल, एंड लाइक दिस देयर आर सो मेनी थिंग। घर के अंदर भी आप जो अर्जेंट है जो नॉट अर्जेंट है वो समझ के वो काम करना चाहिए। उसके लिए अलग वर्कशॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्कशॉप का आइटम है। वॉट इज यस क्यू यस वन क्यू टू वॉट इज क्यू थ्री वॉट इज क्यू फोर, तो आप समझ लेंगे। तो आप अर्जेंट तो करेंगे ही और इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वो भी संभाले, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखेगा, उतना कंफ्यूजिंग नहीं है। तो आपको वहाँ पे क्वाड्रेंट ऑफ एक्टिविटी आपको पहचान के है और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, तो कर सकते हैं, इसका कभी चांस मिला तो वो भी देख लेंगे। ये इसका सब कारण यह है कि अपना मन जो है, इसको सुभाषित ने ऐसा लिखा हुआ, मनो धावति सर्वत्र, माइंड क्या एलिफेंट जैसा है, हाथी जैसा भागता है, वो मद लगा हुआ हाथी ऐसा भागेगा, इधर से उधर, उधर से इधर भागेगा, कोई किसी को मार भी डालेगा और कहीं भी जाके कोई गड़बड़ कर देगा, तो उसको आपको कंट्रोल में लाना है। मदोन्मत्त गजेंद्र, आपको उसको कंट्रोल में लाने के लिए आपका ही विल पावर की जरूरत है, इसकी विल पावर की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विल पावर आ और विल गया। पावर के लिए आपको अल्टीमेटली अपना ही ब्रेन का पावर इस्तेमाल करके, विल पावर तो बाहर से दुकान में नहीं मिलेगा, 2 किलो विल पावर दे गया तो सुपर मार्केट विल पावर कोई देने वाला नहीं है, आपको अंदर से ही पैदा करना है। एंड दैट विल पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू कैन गो ऑन लाइक दिस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इज मेक अ बिगिनिंग समवेयर। ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाले जो है ना वो कहीं शुरू नहीं करते। आप तो चाय पीने के लिए बैठेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं यार वो कोकोनट वाटर पियेंगे ना, ऐसा करके दे कीप ऑन शिफ्टिंग एंड दे कीप ऑन मेकिंग अ मेस, बट इन कॉन्ट्रास्ट वॉट यू हैव टू डू इज टू मेक अ बिगिनिंग। मेरा बिगिनिंग क्या है, मेरे को 2 लेटर आप टाइप करना है, चलो डोंट डोंट डिस्कस डोंट आर्ग्यू स्टार्ट, अरे स्टार्ट मेरा रेडी है तो स्टार्ट तो सही ना, जस्ट कंपल्सरली मेकिंग अ स्टार्ट इज अ ग्रेट ग्रेट एक्सरसाइज। तो अब करेंगे स्टार्ट करने से धीरे धीरे आपका माइंड का जो सर्किट वगैरह होता है वो ऑर्डरली हो जाता है। शुरू में आपका लगेगा ये क्या है यार, क्या स्टार्ट करना है, बट आपके अपने ब्रेन के अंदर का जो पावर है ना उसको काम में लाके आप स्टार्ट करेंगे तो अपने आप आइटम नंबर 2, 3, 4, 5, 60 सब इन लाइन आएंगे। तो अंग्रेजी में बोलते हैं टेक अ प्लंज, लेकिन डर लगता है प्लंज ले के तो देख तो सही, ऐसा नहीं कि प्लंज लेके आप सीधा डूब जाके मर जाओगे, ऐसा नहीं है। टेक अ प्लंज विच विल हेल्प यू मेक अ बिगिनिंग एंड डोंट गिव अप ऑन दैट, ऐसा नहीं कि मैंने देखा जमा नहीं, ऐसा नहीं, चलो लगे हुए मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई बोलते ना, जी
दो टाइप का आपको स्टिकिनेस यू नो इज रिक्वायर्ड, एंड इट वर्क्स विद योर मॉर्निंग ड्रिल। योर मॉन्ग का जो मोड है ना, वो आपसे शुरू करो मॉर्निंग में, जो शुरू करोगे उसको कंटिन्यू विद दैट, डोंट गो बैक टू स्लीप। हमारी बुरी आदत है कि हम अलार्म रखते हैं, फिर अलार्म के बाद में ठक ठक करके उसको बंद करके फिर भी सो जाते हैं, वो आपका विल पावर नहीं है। तो अलार्म चल रहा है, अलार्म बोल रहा है यार उठ तुम, तो अगर आप बोलते ही नहीं मेरे को उठना नहीं है, क्यों? विल पावर नहीं है, आई हैव नो विल पावर टू स्टे अवेक। ये सब जुड़े हुए हैं और ये हमको ध्यान में रखना है, और अपने ही हाथ से होगा, अपने ही तरफ से होगा, बाहर से कोई भी उसको पूरी बांध के आपको घर नहीं देगा, ये हम समझ लेंगे। तो जैसा जैन साहब ने कहा कि डिसिप्लिन लाओ, आप कुछ बोलेंगे सर? सर आपने जो बताया कि हम लोग काम शुरू ही नहीं करते हैं, मैंने भी बहुत बार देखा कि कोई डिफिकल्ट लेटर लिखना है, कोई डिफिकल्ट काम चालू करना है तो चालू नहीं करते, कर कैसे करेंगे क्या करेंगे। फिर मैंने करेक्ट, एक्सपीरियंस किया कि मुझे कोई डिफिकल्ट लेटर लिखना है तो मैं हाँ पहला टाइप करने के टाइम पे टाइप और अभी ईमेल पे पहले तो मैं वो हाँ डाल देता हूँ क्या डेट, ये तो डाल सकते हैं। हाँ फिर लिख देता हूँ टू या टू दी मैनेजर, उसका नाम, ये तो डाल सकते हैं। लेकिन उसके करेक्ट, बाद मैंने देखा कि उसके बाद फ्लो आने लगता है। हाँ तो हमारा बोलना बहुत सिंपल है कि जो मालूम है उससे शुरुआत करो, जो नहीं करेक्ट। मालूम है वो सामने आ जाएगा। अरे वाह क्या तो बात, जैसा कि हम लोग बॉम्बे से पुनः रात को निकला गाड़ी लेके, तो डेढ़ हाँ सौ किलोमीटर है, 150 किलोमीटर जी तो लाइट जाएगा नहीं, लेकिन पंद्रह राइट, करेक्ट पंद्रह फुट देख के देख के देख के आप ऊपर पहुंच जाता है, तो आपको 15 फुट ही दिखता है। करेक्ट, हर टाइम बिल्कुल 15 फुट दिखता है, आप 15 फुट पे जाएगा तो आगे का 15 फुट दिखेगा। आगे का पता करेक्ट, तो लोग बिल्कुल सोचते हैं आज ही पूरा रास्ता दिखे, तो नहीं दिखता है। देखिएगा। तो जो है जहां है वहां से शुरू करो, आगे सब कुछ आ जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज टू मैनकाइंड, और हम इस पे और जी भी बातें करेंगे, लेकिन मैंने प्रोकास्टिनेशन पे 5 वीडियो बनाए हैं, वो हमारे चैनल में अच्छा मौजूद हैं, आप वो पांचों को देख अच्छा सकते हैं। काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ टेक्निक वगैरह बताया है, आप लोग उसको या देख या सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग योर विजडम टू दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।